हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम टैली सॉफ्टवेयर में अपनी एग्जिस्टिंग पार्टीज और अपनी न्यू पार्टीज के अंदर उनकी जीएसटी की डिटेल्स को अपडेट करना सीखेंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमने टैली सॉफ्टवेयर में पहले से अपनी कुछ पार्टी के लेजर्स को क्रिएट करके रखा हुआ है तो किस तरह से हम उनके अंदर उनकी जीएसटी की डिटेल्स को अपडेट करेंगे, और अगर हम अपने कुछ नए लेजर्स को क्रिएट करते हैं तो किस तरह से हम उनके अंदर भी उनके जीएसटी नंबर को अपडेट करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे आपको टैली के अंदर अपने कुछ नई पार्टी और अपनी एग्जिस्टिंग पार्टीज के अंदर उनकी जीएसटी नंबर और जीएसटी नंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना सिखाएंगे। अब अपनी पार्टीज के अंदर उनकी जीएसटी नंबर को अपडेट करने से पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होगा। तो उसके लिए आप गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कंपनी फीचर्स में आ जाएंगे और यहाँ से F3 की प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी और उसके नीचे वाला ऑप्शन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इन दोनों को यस कर दीजिए। इसे यस करते यहाँ पे हमारे सामने जीएसटी डिटेल की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे अपने जीएसटी नंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालते हुए इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम अपनी कंपनी के अंदर अपनी जीएसटी नंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाल चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम आपको दिखाते हैं कि हमने टैली के अंदर अपने कुछ लेजर्स को क्रिएट करके रखा हुआ है जिसके अंदर हमारे कुछ सन्ड्री डेटर्स हैं और कुछ हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। तो उसके लिए आप गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंटिंग इन्फो पे आ जाइए, लेजर्स में आ जाइए और यहाँ से अल्टर में आ जाइए। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे काफ़ी सारे नेम शो हो रहे हैं, इसमें से हमारे कुछ सन्ड्री डेटर्स हैं और कुछ हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। अब इन सभी के अंदर हमने इनके जीएसटी नंबर को ऐड नहीं किया हुआ, हम चाहते हैं कि एक साथ हम अपने जो पुरानी हमने पार्टीज को क्रिएट किया हुआ है इनके अंदर अपने जीएसटी नंबर को अपडेट कर सकें। तो उसके लिए जो हमारा स्टेप है उसके लिए आप गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए डिस्प्ले पे आ जाइए, यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट्स में आ जाइए और यहाँ से जीएसटी में आ जाइए। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो रहा होगा जिसमें लिखा हुआ अपडेट पार्टी जीएसटीन, सिंपल आप इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है यू। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप में हम सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स को ले लेते हैं। अब यहाँ पे नेम ऑफ लेजर में हमसे सारे के सारे लेजर शो हो रहे हैं जो हमारे सन्ड्री डेटर के अंदर आते हैं, हम यहाँ पे सिंपल ऑल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जो हमारी सबसे पहली पार्टी है ये आर्मेक्स ऑटो इंडस्ट्रीज, इसकी कंट्री इंडिया, यहाँ पे इसका स्टेट दिल्ली, रजिस्ट्रेशन टाइप ये रेगुलर है, कंज्यूमर है, कॉम्पोजिशन है अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे रेगुलर है। और यहाँ पे अदर यहाँ पे टेरिटरीज का तो यस कर दीजिए, ई कॉमर्स से रिलेटेड यस कर दीजिए और यहाँ पे पार्टी टाइप में डीम्ड एक्सपोर्ट सेस जो भी है उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, देन यहाँ पे उनका जीएसटी नंबर। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कोई भी जीएसटी नंबर डाल के दिखा देते हैं आपको। और इसी तरह आप अपनी सारी पार्टीज के अंदर उनकी जीएसटी नंबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा तरीका हुआ, जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्टीज है उनकी जीएसटी डिटेल को एक साथ अगर आपको अपडेट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर आप अपने सिंडिकेटर की अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपल सिंडिकेटर पर आ जाइए और यहाँ पर नेम ऑफ लेजर में ओल्ड लेजर्स लेते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अब इसी तरह यहाँ पे अपनी एग्जिस्टिंग सारी सिंडिकेटर की इन्फॉर्मेशन को भी एक साथ फिल कर सकते हैं, इसके अंदर आपको एक एक लेजर के अंदर जाके उसको अल्टर करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ अगर आप किसी नई पार्टी को क्रिएट करते हैं तो वो सिंपल ही है कि जब आप नए लेजर को क्रिएट करते हैं तो वहीं पे आप अपने उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, उससे जीएसटी नंबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहीं पे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लेंगे, यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, सेल डॉक्टर जीएसटी डेल को यस और यहाँ पे उसकी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हुए उसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये टैली की थी तो सिंपल लेकिन काफ़ी यूजफुल वीडियो। इस वीडियो की मदद से आप टैली के अंदर जब कि पहले से ही एग्जिस्टिंग लेजर बने हुए उनके अंदर उनकी जीएसटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ आप एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। और साथ ही अगर आप टैली सॉफ्टवेयर जैसे टैली 18 के नए वर्जन को परचेज करना चाहते हैं तो हम नीचे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको लेटेस्ट ऑफर प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।